Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's session, we are going to discuss the topic publicity related to advertising management. So let's begin the topic. What is publicity? Publicity क्या है? ये हम discuss करेंगे हमारे आज के session में. So let's begin. Publicity is unpaid form of non-personal communication. जैसे कि हम बात करते हैं advertising की. Advertising क्या होती है? Advertising is also a paid. और advertising is a paid form of non-personal communication. Whereas publicity is unpaid form of non-personal communication. Okay? तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं. Publicity is unpaid form of non-personal communication. Okay, तो पब्लिसिटी क्या है? पहली चीज तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की है कि भी पब्लिसिटी क्या है? अनपेड है. इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता. और सेकंड चीज ये क्या है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है. देयर इज अ नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. इट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इट इज यूजली कम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आर्टिकल्स एडिटोरियल्स और अनाउंसमेंट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इट यूजली कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल और अनाउंसमेंट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अगर हम पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं तो पब्लिसिटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई न्यूज आर्टिकल्स की, या फिर किसी एडिटोरियल में, या फिर अनाउंसमेंट चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये सारे क्या है? ये सारी फॉर्म है पब्लिसिटी की. इट न्यूज ब्रांच न्यू प्रोडक्ट चेंज इन द की पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एप्रिसिएशन आर्टिकल बाय यूजर फोटोग्राफर एटसेट्रा. ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिसिटी इज टू द क्रेडिबिलिटी एंड लो कॉस्ट. यानी कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है? एक तो क्रेडिबिलिटी है, और दूसरा क्या है? कॉस्ट क्या है? बहुत ज्यादा लो है इसकी. क्रेडिबिलिटी मीन्स मैसेज गिवन इन द पब्लिक इज मोर कन्विंसिंग एज इट गिवन टू द अनबायस्ड सोर्सेज. तो इजिली हम उनको कन्विंस कर सकते हैं प्रॉपरली. तो इस यहाँ पे क्रेडिबिलिटी क्या है? प्रॉपर है. द फर्म डज नॉट पे द मीडिया फॉर द पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म. इट समटाइम मे बी अनफेवरेबल ऑल्सो. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे द फर्म डज नॉट पे द मीडिया फॉर द पब्लिसिटी. तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या है, ये अनफेवरेबल भी रहती है. नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट कैन बी एक्सट्रीमली डैम्पिंग. फॉर एग्जाम्पल आर न्यूज दैट पेप्सी एंड कोक कंटेन पेस्टिसाइड एक्सट्रीमली मोर देन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड हैव वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द दीज प्रोडक्ट. ओके, तो अगर इस तरीके की पब्लिसिटी अगर मार्केट में आ जाए तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इफेक्ट उस प्रोडक्ट पे पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है. ओके, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सेकेंड थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है द मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिसिटी इज इट्स क्रेडिबिलिटी. द credibility and low cost. Okay, message given by publicity
मोर कन्विंसिंग एज इट गिवन बाय अदर सोर्सेस. ओके, पब्लिसिटी इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म. Sometimes it also unfavorable and negative publicity about a company or its product can be extremely damping. Okay? तो ये था पब्लिसिटी के बारे में. अब इसके बाद नेक्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस रिफर्स टू वेरियस प्रैक्टिसेस यूज्ड टू बिल्ड गुड रिलेशन विद द वेरियस सेक्शंस ऑफ पब्लिक. पब्लिक रिलेशन refers to various practice used to build good relations with various sections of public. Public relations is the firm relationship with the public and customer, employee, supplier, stakeholder, government officials, societies and general public. Okay? Public relation is the firm relationship with public, that is customer, employees, suppliers, stockholders, government officials, society and general public. तो सभी के साथ हम relationship की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. Public relation refers to the various practices ताकि हम good human relations को maintain कर सकें. किसके साथ? Customer, supplier, stockholder, government official, society, general public, etc. Purpose of public relations is to establish, maintain positive image of the firm among the various section of the society. तो public relations हम maintain कर रहे हैं ताकि हम अपनी organization की positive image को create कर सकें. ठीक है? Purpose of public relation is to establish positive image of firm.
among various section of the society. Okay. Marketers tend to underuse public relations, yet well thought out program coordinated with the communication mix element can extremely effective. With the help of communication, we can better build up the human relation or public relation with the various parties. Okay. The appeal of public relation and publicity is based on the different qualities, जैसे कि क्या है, high credibility है, ability to catch buyer of the off guard है, या dramatizations है. Okay, so this is all about today's session, publicity and public relation. Publicity is an unpaid form of non-personal communication, and public relation refers to the various practices used to build public relations with the various section of public, and the objective of the public relations. To establish and maintain positive image of the firm among various sections of the society. Okay, so this is all about today's session. Okay, student, thank you very much. इसके बाद next जो topic है वो है direct marketing and personal selling, जो कि हम अपने next lecture में discuss करेंगे. ओके, तो आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.